आईपीएल में इस्तेमाल किए जाने वाले गिल्लियों की कीमत क्या है पता है? आज हम लोग जिस साई बाबा को जानते हैं वो सच में कैसे दिखते थे? और क्या आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कौन सा पेन यूज करते हैं, उसकी कीमत कितनी है? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में 300 किलोमीटर लंबा और सीधा रोड देखा है? भारत की किसिंगर को यूट्यूब की ओर से सबसे पहले डायमंड प्ले बटन मिला है। आज के इस वीडियो में 5 ऐसे गजब के फैक्ट को जानने वाले हैं, जिसे जानकर आप कहोगे वाह क्या वीडियो देखा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आजकल आईपीएल की सीजन में जो विकेट और स्टंप गिल्ली इस्तेमाल किए जाते हैं उसे ऑस्ट्रेलिया का ब्रोंटे इकरमैन नामक इस आदमी ने बनाया था, और भारत में पहली बार इसे 2016 में इंटरनेशनल आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 में इस्तेमाल किया गया था। और इसे बनाने में करीब ब्रोंटे इकरमैन को लगभग 3 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। फैक्ट नंबर 2, आजकल हम लोग मंदिरों में और पोस्टरों में जो साई बाबा का फोटो देखते हैं वो काफी सुंदर है, लेकिन क्या आपको पता है साई बाबा 113 साल पहले कैसे दिखते थे? आइए दिखाते इस वीडियो में उनका 1910 में लिया हुआ फोटो। है ना हमारे साई बाबा काफी खूबसूरत। 113 साल पहले का साई बाबा का ये फोटो आप लोगों ने कभी देखा था? कमेंट में जरूर बताना, झूठ मत बोलना। फैक्ट नंबर 3, जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कौन सा ब्रांड के पेन यूज करते हैं? ये देख लीजिए, ये है उस ब्रांड का नाम मॉन्ट ब्लैंक। मिनिस्टर मोदी जी जो पेन यूज करते हैं उसे फाउंटेन पेन के नाम से भी जाना जाता है। ये रहे उस पेन की कुछ तस्वीर, और आप जब इस पेन की कीमत जानोगे तो हैरान हो जाओगे। इस एक पेन की कीमत 1,95,000 इंडियन रुपीज है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप कभी ऐसा रोड देखा है ना दाएं ना बाएं, जो सीधा लकीर के तरह सीधा हो और 1 या 2 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरा 300 किलोमीटर, और पूरा 300 किलोमीटर तक कोई मोड़ या किसी दूसरे रोड से 300 किलोमीटर तक नहीं जोड़ा गया हो? चलिए बताते हैं आपको इस रोड के बारे में। इस 300 किलोमीटर रोड को डेथ वैली के नाम से जाना जाता है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इस सड़क की टोटल लंबाई लगभग 190 मीटर है, जो लगभग 305 किलोमीटर लंबा है। ये सड़क कैलिफोर्निया से नवादा राज्यों को जोड़ता है, मतलब एक राज्य में बनाया गया और जाके सीधा दूसरे राज्य में मिला। है ना गजब रोड। इस डेथ वैली की कई और भी रहस्य है, जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताना, इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है भारत में किस सिंगर को सबसे पहले यूट्यूब की ओर से डायमंड प्ले बटन मिला है? चलिए आपको बताते हैं। भारत में सबसे पहले जिसे डायमंड प्ले बटन मिला है वो और कोई नहीं बल्कि हम सब की चहेती नेहा कक्कर जी हैं। नेहा कक्कर जी अपने इस चैनल पर इंडियन आइडल की वीडियो अपलोड करती है, और साथ ही अपने कुछ पर्सनल वीडियो के साथ साथ दोस्तों के साथ मस्ती और डांस के वीडियो भी अपलोड करती है। और उन्हें 7 जनवरी 2021 को अब यूट्यूब ने उन्हें डायमंड प्ले बटन से नवाजा है। वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर ये तो कर लो यार, तब तक मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर। जय हिंद।